नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए ताज़ा तरीन वैकेंसीज की जानकारी लेकर आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत USMC यानी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज UCMS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वीडियो के दौरान सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट क्या होगी और सैलरी क्या होने वाली है, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गुरु तेग बहादुर अस्पताल की वेबसाइट, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है, UCMS.ac.in पर। यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में आएंगे तो एक व्यू नोटिफिकेशन का एक कॉलम दिया गया है। यहाँ आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, जिसे यहाँ हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज होगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस का लिंक दिया गया है, उसे आपको डाउनलोड करना है। यहाँ हमने ये विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिस, जो कि 8 सितंबर को जारी किया गया है, MCCSNT2024 ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं भारतीय नागरिकों से जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए। इनका वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 से 63,200। अनरिजर्व की 9 वैकेंसी हैं, SC की 4, ST की 2, OBC की 8 हैं, EWS की 3 हैं और PWD के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी हैं 29। जूनियर असिस्टेंट के ये पद ग्रुप सी नॉन मिनिस्टीरियल कैटेगरी के हैं। आयु सीमा 27 साल यहाँ पर रखी गई है। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में किसी भी शिक्षा बोर्ड से। साथ ही आवेदक की जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। जूनियर असिस्टेंट के इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है, अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी को ₹500 फीस पेमेंट करनी है, जबकि SC ST PWD और सभी वर्गों की महिलाओं को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, एक बार फीस पेमेंट हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल तक की और एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो कि ऑनलाइन मोड में अप्लाई करते समय आपको अपलोड करने हैं, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यानी 10th सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ मार्कशीट 10th 12th, कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट इफ एनी और कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पर वर्किंग हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अन्य कोई सर्टिफिकेट जिसे आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ये सभी PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन मोड में आपको अपलोड कर देने होंगे। तो दोस्तों इन पदों के लिए आपको अप्लाई करने के लिए recruitment@ucms.ac.in के लिंक पर जाना है। यहाँ कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जूनियर असिस्टेंट का एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं, एग्जाम स्कीम यहाँ पढ़ सकते हैं। अभी हम पहले एग्जाम स्कीम पर एक नज़र डाले लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट के पदों से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन स्कीम है, इसमें दो पेपर होंगे। इसमें पहला जो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे 200 अंकों के, यानी हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। दूसरा पेपर जो होगा वो एसे और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का होगा, 1.5 घंटा इसमें समय मिलेगा, 100
कुल यहाँ पर मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। टोटल परीक्षा का जो मार्क्स हैं वो 300 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट को 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। यहाँ कंपोनेंट जो रखे गए हैं क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पर 50-50 प्रश्न 50-50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जबकि सेकेंड जो पेपर होगा इसमें एसे, कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग 100 अंकों का होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट इसके लिए लिया जाएगा। यहाँ क्वालिफाइंग स्पीड जो रखी गई है हिंदी इंग्लिश में 30 और 35 वर्ड की होनी चाहिए कंप्यूटर पर। स्किल टेस्ट जो होगा टाइपिंग टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके कोई भी एडिशनल क्रेडिट या मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और उसको उसके मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी जो क्वेश्चन होंगे बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। यहाँ जो रिटन एग्जाम होगा पेपर फर्स्ट और सेकेंड सेपरेटली 45% मार्क्स उसमें अनरिजर्व कैंडिडेट को लाने होंगे, जबकि 40% मार्क ओबीसी को और 35% मार्क्स लाने होंगे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को। रिटन एग्जामिनेशन में 30 गुने कैंडिडेट्स को टोटल पदों के सापेक्ष पास किया जाएगा और उनको स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पेपर सेकेंड जो है केवल उन्हीं कैंडिडेट का चेक किया जाएगा जो पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर पेपर फर्स्ट में 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को जगह दी जाएगी जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे अलग अलग। तो दोस्तों अब करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इस पेज पर आपको आ जाना है। ऑनलाइन पेमेंट लिंक यहां आपको दिया गया है, फीस पेमेंट का लिंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक यहां पर दिया गया है, जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए लॉगिन का लिंक यहां पर दिया गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहां ईमेल आईडी देनी है कैंडिडेट को, पासवर्ड बना लेना है और यहां पर पासवर्ड को दोबारा टाइप कर देना है। एप्लीकेंट नेम मैक्सिमम 50 करेक्टर का यहाँ पर आप दे सकते हैं और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। पासवर्ड बनाते समय 8 से 20 करेक्टर का आपको पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें कैपिटल, स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर और नंबरों का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप जूनियर असिस्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी UCMS के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है उसको आपको ध्यान रखना है। अंतिम तिथि है आवेदन करने की ऑनलाइन मोड में 9 अक्टूबर और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि भी 9 अक्टूबर ही है। तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट कर दें अगर आप भी DU को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।